सी ऑर डी के बीच में मान लो अगर आपने कुछ कैपेसिटर कनेक्ट किया तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा यह हमें फाइंड करना है ओके okay. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए देखो अगर मेरे पास यहाँ पे दो कैपेसिटर से, मतलब और इसको अगर मैंने एक बैटरी के कर दिया, है ना दिस वी, बैटरी का जो है, वो वी के बराबर है सो so, कैपेसिटर का C1, दूसरे का C2. हमें ये पता है, चार्ज अपियर ऑन ईच प्लेट रिमेन्स द सेम तो क्यू चार्ज दोनों कैपेसिटर के ऊपर हाँ मतलब यहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से और जो पोटेंशियल होगा इंडिविजुअल के ऊपर वो वी वन और वी टू अलग होगा समझ लो आप ओके अगर मेरे पास पैरल कॉम्बिनेशन है तो पैरल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है हर कैपेसिटर के ऊपर वो सेम ही होगा इसके ऊपर भी वी होगा इसके ऊपर भी वी होगा अभी हमें क्या दिख रहा है देखो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहां पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है अगर टोटल पोटेंशियल ए और बी के बीच में अगर वी है तो हमें यह पता करना है कि इसके अक्रॉस कितना है ये कितना है और ये कितना है सिमिलरली यहां पे कितना है और यहां पे कितना है आप समझ रहे हो ये हमें फाइंड करना है अगर ये मिल जाएगा तो सी और डी के बीच में कितना पोटेंशियल पोटेंशियली हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay. तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए से जितना चार्ज ऊपर जाएगा उतना ही चार्ज नीचे जाएगा ठीक है तो चार्ज रिमेन्स द सेम तो Q का वैल्यू जो है वो सेम है Q रिमेन्स सेम सो so, Q इज इक्वल टू सी वी ये है मेरे पास तो मैं क्या लिख सकता हूं जनरल इक्वेशन सी वन वी वन कैन बी रिटर्न एज सी टू वी टू है ना तो यहां से C1 वन अपॉन सी टू कैन बी रिटर्न एज वी टू अपॉन वी वन या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं जो C है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है C1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास लेट इट इज अ फोर C2 का वैल्यू है एट विच इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन ये वन और ये हाफ हो जाएगा देर फोर <coughs> का जो वैल्यू है वो टू टाइम्स वी के बराबर है मतलब मेरे पास जो पोटेंशियल है V1 वो टू टाइम्स V2 है अभी देखो पॉइंट C पे कितना पोटेंशियल होगा देखो ये मेरे पास 50 है तो देखो V1 वन इज अ टू टाइम्स V2 तो यहां पे पॉइंट C पे जो पोटेंशियल होगा वो सर्टनली 50 वोल्ट जो है उसका तीसरा हिस्सा होगा सो so, 50 बाई थ्री सिमिलरली पॉइंट D पे अगर आप देखते हो तो ये भी 50 बाई के बराबर होगा वोल्ट्स ये मेरे पास VC और VD की वैल्यूज मिल गई अभी VC और VD का अगर पोटेंशियल सेम इसके बीच में अगर आप कैपेसिटर लगा भी देते हो तो कुछ फायदा नहीं होगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी जीरो है ना कुछ फ्लो ही नहीं होगा तो चार्ज की वैल्यू आपकी जीरो होगी सो इट वॉज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन